हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत के लिए दही वाले आलू की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाना तो बहुत ही आसान होता है। आप इसे झटपट बना के खा सकते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल या आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। जितना आप तीखा पसंद करते उतना डालें। इसे 1/2 से 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये हल्का सा पक जाए। अब हम इसमें 1/2 कप दही डालेंगे। यहाँ मैं फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। आपको इसे 1 मिनट लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं खाते हो तो आप उसका यूज ना करें। अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। मसालों को 1/2 से 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। ये मैंने 7 से 8 उबले हुए आलू को हल्का सा मैश कर लिया था, बस 2-2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। अच्छी तरीके से मिला देंगे और ये देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से जितना आपको ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो आप थोड़ा सा पानी का यूज ज़्यादा करें। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे, जिसे हम व्रत में खाने वाला नमक भी बोलते हैं। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे ढककर पूरे 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे और पूरे 7 मिनट हो चुके हैं। हम सब्जी के ढक्कन को हटाते हैं और ये देख सकते हैं सब्जी कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। हमारी बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।